हम कैपरे हाइट्स में रह रहे थे तभी सुशांत सर ने हमें वॉकी टॉकी दिए थे। वो जो कुछ भी मांगना चाहते थे सर वो वॉकी टॉकी पर मांग लेते थे। एक रात कुछ अजीब सा हुआ था। अजीब सा मतलब? सर जब मैं और रवि सो रहे थे तभी वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज आई और नीरज लाइट बंद कर दो। तो मैं ऊपर गया तो देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और सर लाइट भी बंद थी। मैं फिर नीचे आया, थोड़ी देर बाद फिर वही संदेश आया वॉकी टॉकी पर, सुनाई दिया नीरज लाइट बंद कर दो। मैं फिर से ऊपर गया तो मैंने देखा कि सुशांत सर तो सो रहे हैं और लाइट भी बंद है। इस घटना से मैं थोड़ा सा डर गया था और मैं उस रात सो भी नहीं पाया था। उस घर में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती थी, ड्रम अपने आप बजना, लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे जाना, लाइट अपने आप जलना बंद होना। तो इन्हीं अजीब घटनाओं की वजह से सुशांत सर ने वो कैपरी हाइट छोड़ दिया और वो वाटरस्टोन क्लब में रहने के लिए चले गए। सुशांत सर अक्टूबर 2019 में रिया मैम के साथ यूरोप गए थे। जब वो वापस आए तो वह रिया मैडम के साथ ही रह रहे थे। तो उन्होंने दिवाली भी वहीं मनाई थी और 10-15 दिन के बाद जब वो कैपरी हाइट्स वापस आए तो वो बहुत ही कमज़ोर से लग रहे थे और उसी समय एक नए घर की तलाश भी कर रहे थे। लॉकडाउन में रिया मैडम सुशांत सर के घर रहने के लिए आ गई थी। वे लगातार सर के साथ ही थी। रिया मैडम सिर्फ एक या दो दिन के लिए अपने माता पिता के पास गई थी, फिर उनके माता पिता एक दो दिन के लिए माउंट ब्लैक में रहने के लिए आए थे। सुशांत सर और रिया मैडम डेली ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। रिया मैडम और सुशांत सर सुबह में ऊपर छत पर एक्सरसाइज करते थे और कभी कभी लंच के बाद सुशांत सर मुझे बोलते थे कि योगा के और म्यूज़िक के उपकरणों को लगा दो, और डिनर के लिए केशव को बोला जाता था। 8 जून को क्या हुआ? सर 8 जून को केशव और मैं भोजन तैयार कर रहे थे और हम रिया मैडम और सुशांत सर को खाने के लिए बुलाने वाले थे। तो तभी रिया मैडम ने मुझे बुलाया और उनके बैग में कपड़े रखने के लिए कहा। उस समय रिया मैडम थोड़ी गुस्से में थी। रिया मैडम ने बचा हुआ सामान वापस आकर ले जाने की बात कही। उसी समय रिया मैडम अपने भाई शोविक के साथ बिना भोजन किए चली गई थी। 13 जून को क्या कुछ अलग नोटिस किया तुमने? 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे, तब मैं हमेशा की तरह कुत्तों को वॉक कराने गया था और 9 बजे वापस आया तो सुशांत सर अपने कमरे में बैठे थे। कमरा साफ करना है तो वो बोले बाद में करना। दोपहर में मैं सर को खाने के लिए खिचड़ी देने गया था और फिर वो ऊपर छत पर टहलने के लिए निकले और फिर जब वहाँ से वापस आए तो मैंने उनसे रात के खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कुछ खाना वाना नहीं खाया, बस आम जूस पिया था और फिर वो सो गए थे। बस और कुछ नहीं। 14 जून? सर 14 जून को वही हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठा और हमेशा की तरह कुत्तों को टहलाने गया था और फिर मैं 8 बजे ऊपर के कमरे की भी सफाई कर दी थी सर, और फिर सीढ़ियों की सफाई करते करते सुशांत सर कमरे के बाहर आए। उन्होंने मुझसे ठंडा पानी मांगा तो उन्होंने ठंडा पानी पीते हुए बोला कि हॉल की भी सफाई कर दो, तो मुस्कुरा कर अंदर चले गए। 9 बजे हॉल में झाड़ू लगा रहा था तो मैंने देखा कि केशव सर के लिए केला जूस और नारियल का पानी लाया था और जब केशव सर के रूम से बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि सर ने सिर्फ जूस और नारियल पानी लिया है। उसके बाद सुबह 10:30 बजे खाने में क्या बनेगा ये पूछने के लिए केशव सर के कमरे में गया और जब उसने कमरे में दस्तक दी तो सर उसे पता चला कि कमरा अंदर से बंद है। फिर सर जब सर ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो सर दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया। तो सुना आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या हो रहा था, ये सारी बातें उनके ही कुक नीरज बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस ऑडियो टेप को लीक किसने किया?
रवि तिवारी नाम के एक शख्स ने इसको लीक किया है, जिसके बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। इसके अलावा भी मैं आपसे वो जानकारी शेयर करने वाला हूं जिस पर यकीन करना आपको मुश्किल हो जाएगा। ऑडियो जी हां, आवाज कभी झूठ नहीं बोलता है, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती है और सब कुछ सबूत के साथ आना शुरू हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हुई और एनसीबी के डंडे के डर से वो तोते की तरह बोल रहा है, सब कुछ उगल रहा है और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने दो ऐसे शख्स का नाम लिया है जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके ही घर में रहता था, उक नीरज और केशव। जी हां, इन दोनों पर संगीन इल्जाम लग चुका है और यही बड़ी वजह है कि एनसीबी ने दोनों को समन भेजा था, लेकिन एनसीबी को उन दोनों को गिरफ्तार करना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद आखिर कौन सी चीजें उन्होंने उगली है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी के बारे में बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जो सुशांत के मौत के वक्त उनके कमरे में था, उन्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन एक साल तक वो छुपाता रहा, लेकिन एनसीबी को वो सारी जानकारी मिल चुकी है और बताया यहां तक जा रहा है कि सीबीआई के हाथ में भी ढेर सारे सबूत लग चुके हैं, जिसके बाद से सुशांत का असली कातिल जल्द ही बेनकाब हो जाएगा। सुशांत मामले में केशव और कुक नीरज की गिरफ्तारी ने यह तय कर दिया है कि सुशांत के करीबी ही इस पूरे घटना में शामिल थे और जिस तरीके से दोनों को एक एकांत जगह पर ले जाया गया है, सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा एकांत जगह है जिसका कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत की मौत से है। जी हां, सवाल उठना लाजमी है। ऐसी स्थिति में अगर एनसीबी एकांत जगह पर दोनों को ले जाती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे सबूत मिल चुके हैं, कुछ ऐसे जगहों के नाम पता चल चुके हैं जिसके बाद सुशांत के असली कातिलों तक पहुंचना बेहद ही आसान हो जाएगा। एक के बाद एक ऑडियो टेप का लीक होना, मैंने आपसे नीरज का भी ऑडियो टेप शेयर किया था, जी हां, कुक नीरज ने क्या कहा है ये सब कुछ लीक हो गया था, लेकिन इसके बाद दोनों नौकरों के कबूलनामे ने वाकई में पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। कुक नीरज का ये जो पूरा बयान है, पूरा ऑडियो टेप है, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले का पूरा खेल ही बदलता हुआ दिख रहा है। इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर शुरुआती दौर से संगीन इल्जाम लगते जा रहे हैं और एक बार फिर से एनसीबी का जो डंडा है वो इन्हीं लोगों पर उठ रहा है। जी हां, सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी, केशव की गिरफ्तारी, कुक नीरज की गिरफ्तारी, यानी कि अब तय है कि सीबीआई भी इस पूरे मामले में एक्शन लेने वाली है। बताया यहां तक जा रहा है कि सीबीआई के हाथ में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लग चुके हैं जिसके जरिए कातिलों का नाम आसानी से पता लगाया जा सकता है। फॉरेंसिक जांच के दौरान इन सारी चीजों को रिकवर कर लिया है। उम्मीद है कि सुशांत का असली कातिल जल्द ही बेनकाब होगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, इस वीडियो के जरिए सरकार और जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए जस्टिस फॉर सुशांत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का असली कातिल इसी चैनल पर सबसे पहले बेनकाब होगा। नमस्कार।